साल अपने इख्तिताम को आ रहा होगा और हमें आखिरी बार स्कूल में कुछ यादें बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये शायद किसी ने ना सोचा हो। वक्त तो बहुत अच्छा गुजरा, मगर गुजरा भी हूँ कि जैसे कल की ही बात हो। LGS Defence, दिस वन्स फॉर यू एंड इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। मगर पिक्चर अभी बाकी है भाई लोग, इतनी जल्दी थोड़ी ना रुलाऊंगा। Hit it! Slide on a pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. तो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि मैंने और मेरे चार कमीने दोस्तों ने सोचा कि भाई जाना है तो फेस फाइव भी जाना है। After all, 9 साल all boys school में पढ़े हैं, थोड़ा तो फन बनता है। मगर ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ अर्से तक मैं इस स्कूल की पहचान बन जाऊंगा। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि मेरी मेहनत तो थी ही इसमें, लेकिन आज जितने लोग जानते हैं, जितनी रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है, उस सब के पीछे इनका बहुत सारा सपोर्ट है। फैन मोमेंट भी ऐसे नहीं हुए। फेस फाइव की हाइप की वजह मैं बताता हूँ। अब जब इवेंट्स पे बंदा पढ़ाई से ज्यादा मेहनत करे दिन रात, तो फिर बन गए ये सारे मेरे जिगरी यार। और जब बात आती है इवेंट्स की, तो हम कॉन्सर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। फेस फाइव जाना जाता है भाई कॉन्सर्ट्स की वजह से, समझ तो आप गए होंगे। आज एजिसन कॉलेज से हम वेदर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आपको। और जैसे आज देखेंगे आप, लाहौर में बर्फबारी का आज माहौल बनने वाला है। ये इनके आप कपड़े देखें, नाग लगाए रहे होंगे, ये पूरे पूरे तैयार होके हैं। देखें ज़रा, ये भी देखें, इनको भी देखें, वो सही है, वो नॉर्मल है थोड़ी सी। तो आज आप पकौड़े चौकड़े लेके आइएगा, बर्फबारी होगी। पहली बार वो चीज़ करने जा रहा हूँ जो मैं कभी भी ना करता। मैंने अपने से ये वादा किया था कि मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगा। हाँ, अभी भी मैं उसमें पार्ट नहीं ले रहा भाई, मतलब मैंने वादा किया कि टिकटॉक नहीं बनाना था, बना रहा हूँ। About their best and the worst memory they had in phase 5. Let's see what they have to say.
वैसे तो मैं नॉर्मल कैमरा से बनाने लगा था, लेकिन ये फिल्टर मजे का है तो। सबसे पहली बात तो ये यार, ये जो आपको व्लॉग्स में दिखाता है ना, बहुत गलत मुझे दिखाता है। मैं ऐसा बिल्कुल बंदा नहीं हूँ, बहुत इसने मुझे घटिया तरीके से दिखाया है, तो इसकी तरफ मैं केस करूँगा। आपके हमारे जो कॉन्सर्ट था आतिफ का, वो इतना अनसर्टन था, बारिश हो रही थी और मतलब कि हम बिल्कुल कॉल ऑफ करने वाले थे, लेकिन दूसरे एक दूसरे को सपोर्ट किया और मतलब कि हमें पता था हम करा सकेंगे सपोर्ट की वजह से। तो और वो जो एक्सपीरियंस था, वो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे बेहतर कोई एक्सपीरियंस हमारे लिए या इवन मेमोरी इससे बेहतर हो सकती है। और बेस्ट पार्ट ये कि एंड पे कुछ जेन्युइन दोस्तों के साथ पास आउट हो रहे हैं। गोइंग टू ऑल द स्पोर्ट्स फेस्ट्स विद ऑल माय फ्रेंड्स, अनीस, मिराल, हफ्सा, अमाय, इज़ा, दाऊद, ऑल ऑफ देम। सब ने इंजॉय किया, हम सब दोस्तों ने, हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था, तो इट वाज गुड, नए लोगों से मिला हूं। यार मीडिया रूम में शुगर लगाना हर दफा, और हसान हुनैद हमारा सीनियर, उसके साथ शुगर लगाना। यार सारी स्कीम्स तो नहीं बता सकते इधर, लेकिन कह लो गेटिंग मीडिया प्रेसिडेंट की काउंसिल पोस्ट। द बेस्ट आई थिंक इज द काउंसिल अनाउंसमेंट, सर शहजाद वो बोल रहे हैं कि जी रॉ प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी बना हुआ है, क्यों मैं जाऊँ, मैं अपने आप को डेप्यूटी भी नहीं समझ रहा था। वर्स्ट एक्सपीरियंस ये कि मैं पढ़ा नहीं, और बेस्ट एक्सपीरियंस ये कि ना पढ़ने का फ़ायदा हुआ है। Now, as for the worst memory, it would probably be when defense games got cancelled. Yaar, worst part to ye hoga ki I used to act fake with my friends. Meri aur Mirsab ki ladai back in A1. Khair, I won't blame either of us for that because it all happened due to the toxic hawa of P5. So yeah. Meri liye hum sab ke liye ki hum apna farewell enjoy nahi kar sake. Worst, I would say Arma studies. It's just not a moment, lekin ye chalta raha tha. Bunking classes, ये सारा कुछ वालदा साहिब वाला देख रही हूँ, लेकिन this was a scenario. उम्मीद तो यही होगी कि हम जिंदगी में कभी ना कभी दूसरे से ज़रूर मिलें और वो अपने मोमेंट शेयर करें दूसरे से जो आजकल गुजारते हैं। और मेरी एक 11 से 12 साल की जर्नी का एंड हो रहा है स्टेज 5 में इस रेड ब्रिक बिल्डिंग में, मुझे इस बात का भी बहुत दुख है। और कुछ फेवरेट जूनियर से पूछा कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था मेरे बारे में और अब क्या है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मिर्सब वाज Okay, I remember it was my first day of school and Mirsab entered and everyone was like, "Commando aa gaya, commando aa gaya." And I was like, "Kaun ajeeb insaan hai, jo matlab kaun hai ye?" Banda bahut arrogant hoga aur bande mein bahut aakad hogi. Sach batao to yaar, mujhe shuru mein tum bahut zyada like ladke mein zara attitude hoga. Mirsab ko jab maine pehli dafa dekha tha school ke andar, to us time like काफी अजीब सा छोटा सा बंदा लगा था कि यार फजूल सा बंदा है। यार फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि यार बॉय बास्केटबॉल खेलता है, अच्छा खेलता है, लेकिन जो भी है फिर भी मेरे से छोटा ही हाइट में। खैर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे चलते रहे, खेलते रहे बास्केटबॉल साथ। हम लोगों ने सुबह 6 बजे प्रैक्टिस में आना भेजा, डंडा देना सुबह सुबह मेरे साहब ने कि टाइम पे नहीं आ रहे आप लोग, मेहनत करो ये वो। मैं सिर्फ चंद लोगों को ही जानता था, उसमें से एक मिर्सब था। तो मुझे याद है शुरू में कॉमन रूम में लड़कियों के बीच में कहीं बैठा होता था। उस टाइम मेरा ओपिनियन नहीं था उसके बारे में कि ही इज़ अ रियली रियली टैलेंटेड गाय, क्योंकि आई हैड सीन हिज व्लॉग्स। वो फजूल लगते थे यार, मेरा मतलब फजूल लगते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त बदलता गया, जज्बात बदलते गए, तो पता लगा नहीं यार तू बुरा बंदा नहीं है। एंड देन व्हेन आई गॉट टू नो हिम, ही वाज एन अमेजिंग पर्सन, ही वाज वेरी स्वीट टू मी। आई रिमेंबर एमयूएन के डांसेस के वक्त आई गॉट टू नो हिम। तो बाद में जाके जब इसके साथ दोस्ती अच्छी हुई एंड लाइक ही केम आउट एज़ अ रियली रियली नाइस पर्सन, और काफी जिसने मुझे हेल्प किया पूरे साल के अंदर, तो इस तरह अच्छा टाइम गुजर गया और काफी अच्छा इंप्रेशन बेसिकली बन गया कि यार अच्छे बॉयज हैं, शुगर लगाते हैं, साथ पार्टी करते हैं सारा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, you're a friendly person or you're the best senior one could ever have, a very nice person and he's not fake, aur main yahi kahunga ki he's really working hard for his future. yahi keh sakte hain tusi ja rahe ho, tusi na jao. badi maine baatein ki phase 5 ke farewell ki, lekin jab apna time aaya to naseeb hi nahi hua thanks to covid 19. ab kya kar sakte hain, pichla farewell dekh ke hi guzara karenge. ओ कदे मिलता हसी ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना कदे मिलता हसी मुके फोन करी तू गोराई हाँ हजार बोकेश गोराई
मुझे फोन करी तू गोराई अजर बो केश गोरा हां हां यानी आ जानी हां मजे तू रानी आंड सुन मके जानी हो बार तो अच्छा तो बार तो दिस तू मुझे मुझे जानी मई तू मन से ओ कदे मिलता हसी ओ कदे बेकार मैं तो करा जा यार मैं कदे सुत भी हां यार भी तू आई दिलदार भी तू आई मुझे जन जानी आई मुझे ता जानियां जानियां मजे तू रानियां दसल मैं की जानी मुंह बार तो अच्छा तू को बार तो दिसा तू मुझे जानी मजे तू मजे जानी जिने सखर उन्हें मखन जिने झटपट मजे वार पट जिने लड़कण उन्हें मां करो जिने हैदराबादी उन्हें नर मधे ओ कदे मिलता हसी सिब्बी हां कदे फेयरवेल के बाद सबका ये सफ़र ख़त्म हो रहा होता है, हमारा कुछ पहले ही हो गया, लेकिन जो वक्त हम यहाँ गुजार चुके हैं, जो यादें यहाँ पे बना चुके हैं, उसके लिए अल्फाज भी काफ़ी हैं। सलीम भाई का रूफटॉप पे सुट्टेबाजों को बचाना, आंटी सुभीन के ताने सुनना, कॉमन रूम भरा होने के बावजूद अंदर घुसना, सर इरफान और सर असरान की जुगतें सुनना, सुबह 6 बजे बास्केटबॉल की ट्रेनिंग के लिए पहुँचना, डांस सोसाइटी में सबसे लड़ना, हर फ्लोर पे किसी ना किसी दोस्त से मिलना, इवेंट्स पे बेस्ट डेलीगेशन के लिए पूरी जान मार देना, ये सब और बहुत कुछ हमेशा याद रहेगा। LGS Defence Batch of 2020. Batch of 2020. The Batch of 2020. Batch of 2020. This is Mirsab Baig signing off. Yes, come on. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile.